हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी बोर्ड प्लस विद प्रशांत। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पावर सिस्टम। पावर सिस्टम के तीन बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों को कंबाइन करके जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से ही पावर सिस्टम कंप्लीट होता है। साथ ही हम फ्रेंड्स आज की वीडियो में देखेंगे या फेस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पावर सिस्टम से रिलेटेड। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आपसे कई बार इंटरव्यूज या फिर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस के एग्जैक्ट रिजल्ट्स तक हम पहुंचेंगे। तो फ्रेंड्स आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो कंप्लीट डायग्राम आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं पावर सिस्टम सिंगल लाइन डायग्राम, जिसमें सबसे पहली स्टेज है दैट इज जनरेटिंग स्टेशन। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे इलेक्ट्रिकल में सिंबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये पावर जनरेशन या फिर अल्टरनेटर का सिंबल होता है। ये सिंबल्स आपको हमेशा याद रखने हैं और ये स्टैंडर्ड है हमेशा। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का सिंबल है, जिसमें प्राइमरी टर्न्स लो हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी टर्न्स। ये स्टेप डाउन का और ये तीनों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज प्रोड्यूस एट जनरेटिंग स्टेशन। ये हमने एक स्टैंडर्ड लिया है 11 KVA में। तो इस चीज को हमेशा याद रखना, जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होती है इंडिया में, स्टैंडर्ड इज 11 KVA, बट और भी कई सारे वोल्टेज हैं जिसपे हम पावर जनरेट करते हैं, दैट इज 13.2 या 15.75 या 22 KVA। अब पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर जनरेशन इन इंडिया। तो जो मैक्सिमम पावर हम जनरेट करते हैं, वो हम जनरेट करते हैं 25 KVA पे। या 25 KVA से अगर ऊपर जनरेट करेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, आइए चेक करते हैं। तो सीधा क्वेश्चन है, व्हाई इन इंडिया मैक्सिमम जनरेटिंग वोल्टेज इज 25 KVA, और ये 25 KVA जनरेट होता है NTPC करीमनगर इन तेलंगाना। इससे ज्यादा पे हम जनरेट क्यों नहीं कर पाते हैं? सीधा वन वर्ड आंसर है, इंसुलेशन प्रॉब्लम। आइए डेरिवेशन के थ्रू से चेक करते हैं। जैसे ज्यादा जितना ज्यादा वोल्टेज इंक्रीज होता है, उस कंडीशन में करंट रिड्यूस होता है। और हमें पता है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, A इज एरिया, और R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो दोनों इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर करंट रिड्यूस होगा तो एरिया भी रिड्यूस होगा। तो जितना ज्यादा हम करंट रिड्यूस करेंगे, उतना ही ज्यादा अल्टरनेटर का एरिया रिड्यूस होगा। तो साइज ऑफ अल्टरनेटर, सिंबल से मैंने इंडिकेट किया है, विल रिड्यूस। और जितना ज्यादा अल्टरनेटर का साइज रिड्यूस होगा, उतनी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी उसे इंसुलेशन प्रोवाइड करने में। तो ये रीजन है, हम 25 KVA से ज्यादा जनरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक कंट्री जापान, जहां पे पावर जनरेशन 40 KVA तक होता है, बट वो टॉप सीक्रेट है जापान गवर्नमेंट का, और उन्होंने अभी तक ओपन नहीं किया है। पावर जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं टू कंज्यूमर्स तक। कंज्यूमर्स हो सकते हैं इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, जो 11 KVA फिर 415 KVA का सप्लाई वोल्टेज लेते हैं, या फिर एंड कंज्यूमर्स, जो हमारे घर तक 220 या 240 वोल्ट तक सप्लाई आती है। तो दूसरा क्वेश्चन जो हम फेस करते हैं, व्हाई वी रिक्वायर द ट्रांसमिशन लाइंस। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट देखते हैं, व्हाई ट्रांसमिशन लाइंस आर रिक्वायर्ड। जो पावर प्लांट्स होते हैं आर ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड इन रूरल एरियाज, विलेजेस में कंस्ट्रक्ट होते हैं, बट पावर डिमांड इज मोर इन सिटीज। इसीलिए हमें ट्रांसमिशन लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है। कोई टेक्निकल रीजन नहीं है, एक बिजनेस वाला रीजन है इसके पीछे, कि हम रूरल एरियाज में पावर प्लांट क्यों जनरेट करते हैं। बिकॉज जो लैंड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है, वो रूरल एरिया में इजीली अवेलेबल हो जाता है। कॉस्ट ऑफ लैंड भी चीप होती है, और वहां पे पानी की प्रॉब्लम्स भी नहीं होती हैं। और कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज भी रहती हैं कि आप पावर प्लांट्स को सिटीज में ओपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है, और कई बार हमें प्रॉब्लम फेस भी करनी पड़ती है। तो यही मोस्ट कॉमन रीजंस हैं जिसके कारण हमें ट्रांसमिशन लाइन्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक बार फिर से हम अपने सिंगल लाइन डायग्राम पर आते हैं, जिसमें हमने पावर जनरेट किया है 11 KVA, स्टैंडर्ड इज 11 KVA। उसके बाद हमने इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू वोल्टेज को इंक्रीज किया है टू 132 KVA तक। उसके बाद हमने इसे पावर ट्रांसमिट किया है बाय द हेल्प ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो ये हो गया अपना प्राइमरी ट्रांसमिशन। उसके बाद हमने दोबारा से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया है, जिससे 132 KVA को हमने 32 KVA में स्टेप डाउन किया हुआ है वोल्टेज को, और ये पावर अपने रिसीविंग स्टेशन पे आ जाती है। रिसीविंग स्टेशन से सब स्टेशन तक सेकेंडरी ट्रांसमिशन यूज होता है, जिसमें हम वोल्टेज को 33 KVA से
11 KVA तक कन्वर्ट करते हैं। तो अभी तक इतनी प्रोसेस में हमने अभी तक पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, क्योंकि हाई वोल्टेज है और इस वोल्टेज पे पावर डिस्ट्रीब्यूट पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है अपना सब स्टेशन से, जिसमें हम 11 KVA से 415 वोल्टेज तक पावर को रिड्यूस करते हैं। और 415 वोल्ट में डिस्ट्रीब्यूशन में अपने रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्रीज के लिए 3 फेज सप्लाई, या फिर एग्रीकल्चर मोटर चलाने के लिए 3 फेज सप्लाई। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम 415 को 240 पे रिड्यूस कर देते हैं एंड कंज्यूमर्स तक के लिए, जो हमारे घर तक सप्लाई आती है। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसमें पावर जनरेट होती है, फिर ट्रांसमिशन के थ्रू इंडस्ट्रीज या फिर हमारे घर तक आती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पावर सिस्टम में, वो ये आता है हमारे दिमाग में कि हमने पावर जनरेट किया 11 KVA पे, और उसके बाद उसे फिर से लास्ट में स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करने के बाद 11 KVA पे हमने बना दिया वोल्टेज। तो डायरेक्ट हम 11 KVA से 11 KVA ट्रांसमिट क्यों नहीं कर सकते? तो इस क्वेश्चन को भी हम चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, वाई हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इज यूज्ड, या फिर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इज रिक्वायर्ड। सपोज वी आर सेंडिंग पावर पी फ्रॉम पावर स्टेशन टू द एंड यूजर्स। तो पावर सिस्टम के अंदर उस पावर लाइन में कुछ रेजिस्टेंस होगा, जिसके कारण पावर लॉस होगी। लेट पावर लॉस बी आई स्क्वायर आर, और रेजिस्टेंस है तो पावर लॉस होगी, जिसमें आई क्या है, आपका करंट है ऑफ पावर लाइन, और उस पावर लाइन में कुछ वोल्टेज होगा, वो हमने वी से डिनोट किया है, जिसका मतलब पी इक्वल्स टू वी आई, देयरफॉर आई इक्वल्स टू पी अपॉन वी। इसको हम डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो पावर लॉस आ जाएगी आपकी पी स्क्वायर आर अपॉन वी स्क्वायर, दैट इज पावर लॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V². तो जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ही पावर लॉस कम होगी, इसलिए हम पावर को जो ट्रांसमिट करते हैं वो हाई वोल्टेज पे करते हैं, ना कि लो वोल्टेज पे। तो ये पूरा सिस्टम था पावर ट्रांसमिशन का। फ्रेंड्स, अगर आपका पावर जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक क्लियर हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप डायरेक्ट मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।